बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर जरा कम निकले। ये शेर कितना भी पुराना हो लेकिन आए दिन अलग अलग टीमों पर सटीक बैठता, और फिलहाल हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस पर यह शेर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, क्योंकि हार्दिक की मुंबई इंडियंस जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। 10 मैच जिसमें से 7 मैच ऐसे थे जो मुंबई हार जाती है, केवल 3 मैचेस वो जीत पाती है, उसके 6 अंक हैं। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में वो नीचे से नंबर 2 पर हैं। ख्वाहिश अंबानी परिवार की रही होगी, मुंबई के मैनेजमेंट की रही होगी, कि जब हार्दिक पांड्या को 115 करोड़ में लेकर आए थे, जैसा कि कहा गया था कि 15 करोड़ ऑफिशियली, 100 करोड़ गुजरात को और दिए गए थे, उस हिसाब से ऊपर से नंबर 2। लेकिन अब हार्दिक को लेकर, मुंबई को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट ने 4 विकेट से जब यह मैच जीता, तब लखनऊ ने सिर्फ अपने लिए प्लेऑफ का रास्ता नहीं खाली किया बल्कि मुंबई को प्लेऑफ से बादब बाहर भी कर दिया, बड़े प्यार से बाहर किया। और इस पूरे सीजन में अगर आप हार्दिक पांड्या एज अ बॉलर बैट्समैन देखेंगे तो उनको लेकर भी कई सारे सवाल रहे। हालांकि हार्दिक ने आखिरी मैच में अच्छी गेंदबाजी की, 2 विकेट निकाले, गेंदबाज के तौर पर वो शानदार थे, जो इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज है भविष्य के लिहाज से, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर पहली बॉल पर वो डक आउट हुए और फैंस ने उस पर मौज काटी, कहा कि हार्दिक शायद भूल गए हैं कि अभी 25 तारीख तक चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन हार्दिक वाइस कैप्टन है और मैं उनको बैक भी करूंगा क्योंकि वो अच्छे प्लेयर है कप्तान के तौर पर, या बाकी उनको लेकर, उनकी कुछ चीज़ों को लेकर क्वेश्चन हो सकते हैं जो होते रहे हैं अलग अलग खिलाड़ियों को लेकर उनके एटीट्यूड, बट एज अ प्लेयर वो टीम में वर्थ तो हो जाते हैं जब वो रोहित या विराट की कप्तानी में खेलते हैं या धोनी कप्तानी में खेलते थे। लेकिन फिलहाल लखनऊ ने बादब हराया और इसके बाद लखनऊ 3 पर पहुंच गई, MI 9 पर पहुंच गई है। LSG जो है वो बड़ी बड़ी टीमों को हरा कर जा रही है। इस मैच में KL राहुल थे, इस मैच में रवि बिश्नोई थे, इस मैच में तमाम वो प्लेयर थे, मोहसिन खान, मयंक यादव, जिनका सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं हुआ था, जो काफ़ी हद तक क्लोज थे, और इन सब ने ऐसा लगा कि मानो गुस्से का बदला जो है वो MI मैनेजमेंट से ले लिया। इस मैच में कई सारे विवाद भी थे, जैसे ईशान किशन का स्टंपिंग जो था वो आउट था नॉट आउट था, कई लोगों ने कहा बेमानी थी, कई लोगों ने कहा आउट था, जो भी था। हार्दिक पांड्या ने इस मैच के बाद कहा कि निहाल वडेरा हैज अ लॉट टू ऑफर मुंबई इंडियंस एंड टीम इंडिया इन फ्यूचर। फैंस के मन में सवाल आया कि बाबू खिलाया फिर क्यों नहीं, तुम तो हरी टीम का लड़का था, इतने सारे मैचेस लड़के को तुमने बाहर बैठा रखा, मतलब ये तो क्वेश्चन होगा ना। इरफान पठान ने तीर पे तीर छोड़ दिए हैं कि भाई साहब हार्दिक ने अपनी कप्तानी में गड़बड़ कर दिया, बहुत सारे गलत फैसले किए। कई लोग इरफान पठान भी चढ़ गए कि इरफान पठान अब पर्सनल बदला ले रहे हैं, नहीं पता, लेकिन ये सीजन मुंबई को चुभेगा क्योंकि मुंबई के पास सारे बड़े नाम थे। इस साल उनके पास सूर्य कुमार यादव थे, रोहित शर्मा थे पीक फॉर्म में, ईशान किशन अच्छी फॉर्म में थे, तिलक वर्मा अच्छी फॉर्म में थे, निहाल वडेरा थे उनके पास, जसप्रीत बुमराह जैसा प्लेयर था, गेंदबाज में कॉट्जी उनके पास थे, ऑलराउंडर्स में मोहम्मद नबी उनके पास थे, ओवरऑल दे हैड अ गुड टीम, वेरी गुड टीम, टिम डेविड उनके पास थे। और इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या आप टॉप 5 का हिस्सा नहीं होते हैं तो फिर आप पर सवाल उठने चाहिए और उठेंगे भी। हालांकि इस मैच में मार्कस स्टोइनिस ने एक बार फिर दिखाया कि कितना दमखम रखते हैं और ऑस्ट्रेलिया को उनके बारे में सोचना चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ थी। मयंक यादव इस मैच में आए थे इंजरी के बाद, अच्छी गेंदबाजी ठीक ठाक कर रहे थे, हालांकि 4th ओवर में उन्हें फिर वापस जाना पड़ा, उनकी चोट समझ से परे है कि क्या ऐसी चोट है, और यह भी समझ में आ रहा है क्यों वर्ल्ड कप के लिए उन्हें कंसीडर नहीं किया गया। KL राहुल ने इस मैच में 400 रन पूरे कर लिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिहाज से अच्छे हैं, जिन खिलाड़ियों ने 400 प्लस रन बनाए हैं उसमें KL राहुल का नाम आ गया है। विराट कोहली 500 प्लस बना चुके हैं, ऋतुराज 447 है, साई सुदर्शन 418 है, राहुल 403 है, और यह हैरानी की बात है कि ये तीनों प्लेयर जो नीचे हैं, ऋतुराज, साई सुदर्शन और KL राहुल, इन तीनों का सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए नहीं हुआ है, ये भी हैरान करने वाला। ईशान किशन ने 36 बॉल 32 रन बनाए, लोगों ने कहा कि WTC की प्रिपरेशन चल रही है। हालांकि ईशान जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब मुंबई की हालत बड़ी खराब थी, तो ऐसे में ईशान को दोष देना सही नहीं होगा, 27 पर 3 विकेट थे। तिलक वर्मा जो थे वो खुद 11 पर 7 बना के आउट हुए थे, सूर्या 6 पर 10 बना कर गए थे। रोहित शर्मा का बर्थडे वाली मोहब्बत इस साल भी जारी रही, 5 बॉल पर 4 रन, उनका 5 से कुछ अलग लगाव है। SRH के सामने 2014 में 5 बॉल पर 1 रन बर्थडे के दिन, RR के सामने 2022 में 5 बॉल पर 2 रन,
आरआर के सामने 2023 से 5 बॉल पे 3 रन और इस बार 4 रन। तो उनका जो ऑर्डर है वो 1-2-3-4 चल रहा है। अगले साल शायद 5 बॉल पे 5 रन अगर उन्हें बराबरी करनी होगी। बट जोक्स अपार्ट, हैप्पी बर्थडे टू रोहित शर्मा। लेट्स जस्ट होप कि आप वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस करें और इंडिया को वहां पर जिताएं। जो टीम आई है, जो आपने सेलेक्ट की है, आपके वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, आप सब लोग मिलकर। बुमराह वॉज गुड, 4 ओवर 17 रन। वो हर मैच में इकोनॉमिकल है, हर मैच में शानदार है और उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो बुमराह को अच्छा करना पड़ेगा। मुंबई के लिए सिर्फ टिम डेविड ने अच्छी बल्लेबाजी की, 18 बॉल 35 रन, खासतौर पर लास्ट ओवर में 17 रन मारे थे। बट ओवरऑल मुंबई को ये सोचना पड़ेगा कि वो कहाँ हारे। खराब कैप्टेंसी, ओवर पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, आई डोंट नो क्या वजह रही, बट मुंबई को थिंक करना पड़ेगा। इस साल काफी उम्मीदें मुंबई से थी, जब ऑन पेपर ये टीम आई थी बहुत स्ट्रांग टीम लग रही थी, लेकिन सीजन खत्म होते होते अगर आप 10 में से 7 मैच हार जाते हैं तो फिर ये चिंताजनक बात है। हार्दिक की मुंबई फिलहाल आईपीएल प्लेऑफ से बाहर हो गई।